सो हेलो गाइज, हाउ यू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोटरवीज। सो हम आपके साथ जो कंपनी डिटेल्स और वॉक अराउंड जो शेयर करने वाले हैं, मारुति सुजुकी नेक्सा के प्रीमियम प्रोडक्ट का आपके साथ करने वाले हैं। ये हमारे साथ जो है आपका जीटा वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि आपकी एस क्रॉस है। इसमें जो आपका जो के सीरीज का 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन है। अगर हम इसे वेरिएंट की बात करें तो जो आपकी जो एस क्रॉस जो मारुति सुजुकी नेक्सा की है, उसमें आपके चार वेरिएंट आते हैं, जो कि आपका हो जाता है सिग्मा, हो जाता है डेल्टा, जीटा, प्लस आपका अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो आपका अल्फा वेरिएंट होता है। अभी इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन इसमें दो टाइप के आते हैं, आपका हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिक। तो फिलहाल जो भी हमारे साथ जो अभी मौजूद जो कार है आपका व्हाइट कलर में जो आप देख रहे हैं, ये आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ आपकी आ जाती है। तो हम इसी का आपके साथ पूरा डिटेल्स और वॉक अराउंड शेयर करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट हम आगे जो भी इन फ्यूचर में जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाए। साथ ही साथ में इसके अलावा अगर हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का जो सामने आपको आ रहा है motorviz22 के नाम से है, उसको आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। सो वैसे हम एस्क्रॉस के बारे में अगर बात करें तो आपका जो मारुति सुजुकी नेक्सा का जो है सबसे ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है। साथ ही साथ में अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको इसके जो वेरिएंट वगैरह आपको बता दें, इसके चार वेरिएंट में आते हैं और आपका मैनुअल और आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आ जाती है। सर, हम बात कर लेते हैं इसके कलर और शेड्स के बारे में। तो आपके फाइव जो प्रीमियम कलर्स में आपके जाते हैं, सबसे पहले जो आपका आता है कैफिन ब्राउन आता है, सेकेंड आपका आता है ग्रेनाइट, आपका ग्रे आ जाता है, फिर आपका नेक्सा ब्लू आता है, पर्ल आर्टिक आपका व्हाइट आता है। जो कि आपके पर्ल आर्टिक व्हाइट की बात करें तो ये गाड़ी जो आपके सामने है ये आपका पर्ल आर्टिक व्हाइट में है, और साथ ही इसके बाद जो आपका जाता है फाइनली आपका प्रीमियम सिल्वर कलर, यानी कि आपके फाइव जो आपके कलर्स और शेड्स में आपकी जो है गाड़ी जो है अवेलेबल है। ओके, सो अगर हम कीज़ की बात करें तो इस तरह ही कुछ आपको इसमें टू कीज़ जो है आपको इसे मिल जाएगी, काफ़ी प्रीमियम कीज़ आपकी इसमें लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो ऊपर जो टॉप में मिलेगा आपको सुजुकी के लोगो मिल जाएगा, प्लस आपका लॉक और अनलॉक आपके दो जो यहाँ पे बटन आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह से जो है आप इस गाड़ी को जो है अनलॉक कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। सो फ्रंट प्रोफाइल आप गाड़ी का देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको मेटलिक आपको वर्क मिल जाएगा। आप इसकी जो ग्रिल देख सकते हैं कि आपको जो मिल जाती है इसमें वर्टिकल जो आपकी फ्रंट आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्रोम का वर्क मिल जाएगा। प्लस आप देख सकते हैं कुछ आपका इसमें मेटलिक आपको एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं बीच में आप जो आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और डाउन साइड में आपकी यहाँ पे लाइसेंसिंग प्लेट की आपको जगह दी गई है। इसी के साथ हम अगर बात करें इसके हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो हेडलैम्प यूनिट जो आपको आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड शार्प डिज़ाइन में जो आपको इसका प्रोजेक्टर जो आपको हेडलैम्प मिल जाता है। तो ये जैसे कि आपका जो है आपका जीटा वेरिएंट है, जीटा वेरिएंट में आपको जो मिल जाते हैं प्रोजेक्टर जो है हेलोजन बल्ब आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है, प्लस आप अगर इसमें देखें तो आपको हेलोजन जो है आपको प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं। अब इसमें जो है आपको जो है एलईडी लैंप नहीं मिलते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो जो आपका जो है अवेलेबल है सिर्फ अल्फा जो आपका जो टॉप मॉडल है उसमें ही अवेलेबल है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखते हैं तो कोई आपको किसी तरह का जो है आपको एलईडी डीआरएस नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो जो आपका जो है टॉप मॉडल में ही आपका अवेलेबल है, जो कि आपका अल्फा वेरिएंट है। इसी साथ थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको जो यहाँ पर फॉग लैम्प की जो है आपको हाउसिंग मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्रोम का आपको वर्क देखने में मिलेगा, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको ये जो लुक जो है काफ़ी इनहेंस आपका हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी ग्रिल आपको देखने में मिल जाती है, अगेन ये जो आपका जो मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाती है। साथ ही साथ में आप यहाँ देख सकते हैं आपको सिल्वर जो है स्किड प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम अप्रोच एंगल की बात करें तो अप्रोच एंगल भी गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा आपको ठीक मिल जाता है, बिकॉज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस आपकी 180 मिलीमीटर की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो अप्रोच एंगल इसका काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप सिटी ड्राइव्स के मामले में देखते हैं, हम बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल आप गाड़ी का देख सकते हैं, काफ़ी आपको जो प्रीमियम जो इसका आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। आप इसमें देखेंगे तो आपको बॉडी कलर जो है आपको ORVM देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ में आपको जो है टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है आपको जो ब्लैक कलर की जो है आउटस्कर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो आपको ORVM जो मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है फोल्डेबल आपको ORVM मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो आपके अंदर से ही आप इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके टायर प्रोफाइल पे। टायर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इसमें अलॉय व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे जो मशीन आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। साथ ही साथ में अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 215/60 आपका R16 जो आपको टायर प्रोफाइल मिल जाते हैं। इसके साथ अगर इसमें आप स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको जो है सेम आपको 16 इंचेस के जो है
आपको स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसमें हम ब्रेक्स की बात करें तो इसमें फ्रंट और आपका रियर में भी आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसी साथ में अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको फ्रंट में जो मिल जाते हैं वो आपको जो है मैकपर्सन के स्टर्ट विद कॉयल स्प्रिंग आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर हम इसके रेयर की बात करें तो रेयर में जो आपको मिल जाते हैं टॉर्शन बीम जो आपको विद कॉयल स्प्रिंग आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसी यहाँ जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पे भी आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कैलिपर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप सिल्वर स्टोन में आपको कैलिपर देखने को मिलते हैं। इसी साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो अलॉय मिलते हैं आपको ड्यूअल टोन में मिलते हैं, यानी कि ब्लैक और प्लस आपको सिल्वर इस कलर में आपको जो है अलॉय देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसे व्हील आर की बात करें तो आपको पूरे जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको जो है आपको जो चारों तरफ जो है क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में आपको कुछ यहाँ पे सिल्वर स्टोन में भी आपको साइड पैडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हम गाड़ी के डायमेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपको जो हाइट जो मिल जाती है 1595 मिलीमीटर की हाइट मिल जाती है। साथ ही साथ में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो आपकी गाड़ी की होती है 4300 मिलीमीटर की आपके इसकी एस क्रॉस की लेंथ है। इसके साथ साथ हम गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं इसमें आपको जो 2600 मिलीमीटर का जो है आपको व्हील बेस आपको गाड़ी का देखने को मिल जाता है। अब इतना व्हील बेस होने की वजह से क्या है गाड़ी के आप अगर रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी का रियर सीट कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको लेग रूम जो है काफ़ी ठीक मिल जाता है गाड़ी का बिकॉज ऑफ इसके व्हील बेस। इसके साथ अगर हम बात करें इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको 180 मिलीमीटर का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर इसके हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 40 लीटर का जो है फ्यूल टैंक आपको कंपनी ऑफर करती है। तो एक कुछ इस तरह की जो है गाड़ी की साइड प्रोफाइल मिल जाती है। इसके साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बी पिलर और आपका जो सी पिलर है आपको देख सकते हैं इसमें मैट बैट ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाती है। इसके साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में जो है आपको रूफ रेल जो है कंपनी ऑफर करती है। अब ये रूफ रेल होने की वजह से क्या है जो गाड़ी जो है थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक जो मिलता है और गाड़ी की जो ओवरऑल जो लुक है आपकी एनहेंस हो जाती है। इसी साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपको जो है क्वार्टर ग्लास की आपको यहाँ पे प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है गाड़ी की जो ओवरऑल जो लुक है थोड़ी सी आपको एनहेंस हो जाती है और साथ ही साथ में इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से जो गाड़ी के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड प्रोफाइल आपको मिल जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पर, तो रेयर प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो गाड़ी की आपको रेयर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नॉर्मल जो आपको एंटीना देखने को मिलता है। हाँ यहाँ पे एक कमी है, अगर आप यहाँ पे जो है कंपनी आपको सार्फर एंटीना देती तो वो आपका काफ़ी अच्छा होता। इवन दो अगर आप इसकी जो फेसलिफ्ट जो आपका 2022 के एंड में आने वाला है या फिर आप 2023 के स्टार्टिंग में जो भी इसका फेसलिफ्ट आएगा जो कंपनी जो आपका बोल रही है तो उससे भी आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह का सार्फिन नहीं, आपको जो कंपनी जो नॉर्मल एंटीना ही ऑफर कर रही है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके स्पॉयलर की, तो इसमें किसी तरह का आपको स्पॉयलर नहीं मिलता है। अगर आप चाहे तो इसे एसेसरीज़ में जो है कवर करा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट वगैरह भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको हाई माउंटेड जो है स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम रियर शील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वाइपर आगा डिफॉगर और यहाँ पे आपको वॉशर की आपको प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। इसी साथ थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है सुजुकी की लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग प्लेट की आपको प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम जीटा वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है आपको रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है पार्किंग सेंसर भी कंपनी ऑफर करती है इस गाड़ी में। आपको जो एस क्रॉस की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो है साथ ही साथ में स्मार्ट हाइब्रिड की जो है बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेल लैंप का जो आपको यूनिट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कुछ तरह इस तरह से जो आपको ब्रेक लाइट आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रियर बम्पर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैट ब्लैक फिनिश में कुछ आपको जो है रियर आपको बम्पर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में जो आपको स्टैंडर्ड जो आपको रिफ्लेक्टर आपको कंपनी ऑफर करती है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको जो सिल्वर कलर में जो आपको स्किड प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, सो इसमें आपको मैसिव जो है 375 लीटर का जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ ही साथ में जो कंपनी जो आपको इल्यूमिनेशन भी आपको जो है ऑफर करती है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे जो है हुक जो है आपको मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी आप हैंग वगैरह कर सकते हैं। अभी इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसके स्पेयर व्हील की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो आपको जो है स्पेयर आपको व्हील देखने को मिल जाता है। ये आपका अगेन जो हम बात करें तो आपका जो है R16 16 इंचेस के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर प्रोफाइल, आपको सेम जो है टायर प्रोफाइल आपको कंपनी ऑफर करती है। इसी साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे टूल किट का जो आपको स्पेस दिया गया, ऑल दो यहाँ पे भी जो है टूल किट अवेलेबल नहीं है बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो जो मिल जाएगी। कुछ इस तरह से जो आपको इसमें स्पेयर व्हील आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें पार्शल ट्रे भी आपको
ऑफर की जाती है। आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया, साथ ही साथ में यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई पैडिंग वगैरह नहीं, आपको प्रॉपर यहाँ पे पैडिंग दी है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रियर सीट कंफर्ट की। तो आप सबसे पहले हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं डोर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको जो है डोर का आपको लॉक अनलॉक मिल जाता है, आपको हैंडल मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको बॉडी जो इंसर्ट जो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसी साथ आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको यहाँ पर पावर विंडो का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे कुछ आपको जो है सिल्वर कलर में आपको जो है फिनिशिंग मिल जाती है। ऑल्दो ये जो है काफ़ी आपका प्रीमियम जो आपको फिनिश आपको देखने मिल जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको जो है सॉफ्ट टच देखने को मिल रहा है जो कि आपका कुछ आपका डार्क ब्लू कलर में है, और साथ ही साथ में अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका जो है नॉर्मल जो है हार्ड प्लास्टिक आपको है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 लीटर आपको जो है के जो वोटर होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपके जो है स्पीकर की प्लेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे हेडरेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में जो आपको आपको चारों जो है कम्प्लीटली जो आपको एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया था इसमें 2600 mm का जो आपको जो है व्हील बेस देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से जो है लेग रूम जो आपको काफ़ी ठीक देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन जो है आगे की जो सीट है अपनी मैंने नॉर्मली जो अपनी एडजस्ट कर रखी, इवन दो काफ़ी ज़्यादा वो आपकी जो है सीट जो है पीछे की साइड में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा भी आप यहाँ पे देखते हैं तकरीबन जो है 6.5 अंगुल के आसपास जो है यहाँ पे मुझे जो है लेग रूम देखने को मिल जाता है। अगर इसके साथ साथ हम अगर हेडरूम की बात करें तो कुछ इस तरह से जो आपको हेडरूम इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो मेरी जो हाइट है पूरी 6 फीट है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो आपको हेडरूम इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आप थाई सपोर्ट भी देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी इसमें ठीक ठाक इसमें गाड़ी में मिल जाता है। एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी में आपको मिसिंग लगेगी जो आपका रियर में जो आपको कोई भी जो आपके एसी के वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो किसी तरह का आपको जो है चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ जो है मैं बोलूँगा इस चीज़ में आपकी मिसिंग है, बट इसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस गाड़ी में जो आपको रियर जो है सीट में जो है आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपके जो नॉर्मली जो आपका काफ़ी चीज गाड़ियों में आपका जो मिसिंग होता है कप होल्डर, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका जो है रियर आर्मरेस्ट के साथ में आपको मिल जाता है, साथ ही साथ में इसमें आपको जो है आइसोफिक्स भी आपको कंपनी ऑफर करती है। साथ ही साथ में आप देखें तो इसमें जो रिक्लाइन एंगल की हम बात करें तो रिक्लाइन एंगल भी जो है रियर सीट का काफ़ी आपको ठीक देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैबिन इंटीरियर की। बट कैबिन इंटीरियर में आप ध्यान से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बोथ साइड में जो आपको जो है आपको वेलकम सेंसर जो है कंपनी आपको ऑफर करती है, कुछ इस तरह से जो आपकी कीलेस एंट्री भी आपकी इसमें हो जाती है। तो अब हम अगर डोर के इंटीरियर की बात करें तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, या जो आपकी कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे भी आपको कुछ सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। सेम आपके यहाँ पर जो क्रोम की आपको फिनिशिंग मिल जाती है लॉक अनलॉक पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जैसे मैंने बताया वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो एडजस्टेबल जो आपको यहाँ पे ORVM आपको कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको देख सकते हैं आपको 4 आपको जो है पावर विंडो के आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और गाड़ी लॉक अनलॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम पावर विंडो की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर साइड में जो है आपको एंटी पिंच का आपको फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है डोर माउंटेड जो आपको जो है बॉडी हैंडल आपको देखने मिल जाता है। सेम आपको यहाँ पे जो है 1 लीटर वोटर का होल्डर मिल जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैगजीन का स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है स्पीकर की आपको प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से जो यहाँ पे जो है आपको जो डोर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसी साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो है टायर प्रेशर की जो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसे कैबिन इंटीरियर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से जो आप इसका इग्निशन जो है ऑन करते हैं तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको साथ ही साथ में मिल जाता है। इसी तरह हम थोड़ा सा साइड में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प का जो लेवलर आपको देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखते हैं तो आपको इस तरह से कुछ आपको एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पे सिल्वर जो है इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जो है कुछ आपको क्रोम का पैटर्न आपको हल्का सा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर और ये आपका जो है RPM मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट आपको जो है MID का डिजिटल कंट्रोल देखने को मिल जाता है। या आप इसे MAGO आप यहाँ पे नॉब मिलता है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे आपका ट्रिप वगैरह जो है आप इसको सेट कर लेते हैं, प्लस आपका यहाँ पे आपका किलोमीटर वगैरह जो है आपको पूरा आपको डिजिटल में आपको रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है फ्यूल का यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको जो पूरा सिल्वर का आपको इंसर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे क्रोम का आपको वर्क देखने को मिल जाता है। अगर हम इससे ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको जो है ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ये आपका कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, नॉर्मल आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। बट ये है कि आपको जो साइज़ है काफ़ी आपको स्पेस जो है आपको डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें स्क्रीन की बात करें तो आपको टचेस कम्प्लीटली जो टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपका, और तकरीबन आपको 17 सेंटीमीटर तकरीबन आपका जो है ये 7.5 इंचेस की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से जो आपको इसमें जो है सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको जो FM वगैरह दिया गया है। अगर इसमें स्पीकर की बात की जाए तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। ट्विटर की प्लेसिंग जो आपके एक ट्विटर की प्लेसिंग वहाँ है और प्लस आपके एक ट्विटर की प्लेसिंग जो आपको वहाँ मिल जाती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको जो इसमें इंजन मोबिलाइज़र भी आपको देखने को गाड़ी में मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसमें तो अगर आप देखें तो इसमें नेविगेशन सिस्टम जो है कंपनी आपको ऑफर करती है। अभी देख सकते हैं कंप्लीट आपको FM जो आपको FM वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, प्लस आपका मीडिया और फोन्स वगैरह की आपको कनेक्टिविटी का आपको फीचर्स मिल जाता है। यहाँ से जो है आप कुछ इस तरह से जो है आप इसकी जो वॉल्यूम को वगैरह को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इसमें आपका जो जीटा वेरिएंट है इसमें किसी तरह को आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह देखने को मिलता नहीं है। अगर आप इसमें अल्फ़ा वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और जो कारप्ले का फीचर जो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो कम्प्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ACA कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ आपको स्पेस दिया गया। साथ ही साथ में आपको USB और ऑक्सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही साथ में आपको 12 वॉट का जो आपको सॉकेट देखने को मिल जाता है। इसमें आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से जो आपको 5.5 आपको जो है स्पीड आपको गेयरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है आपका ये, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीज़ में आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको जो इसमें कीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पर कुछ आपको छोटा सा स्पेस देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह से जो आपको है हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड में। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका जो आर्मरेस्ट है कम्प्लीटली जो आपका जो है स्लाइडेबल है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक नॉब मिल जाता है जिससे आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है काफ़ी जो है मैसिव जो आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ में आपको देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का जो है आपको जो एक सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो आपको जो आर्मरेस्ट जो मिल रहा है स्लाइडेबल मिल रहा है, जिसे आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे स्लाइड कर सकते हैं। इसमें जो है मल्टी फंक्शनल जो आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको यहाँ पे जो है सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के। साथ ही साथ में आपका जो है जो फोन यहाँ कनेक्ट और डिसकनेक्ट का जो है आपको फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पर जो आपको क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। बीच में सेम जैसा कि आपका स्टैंडर्ड जो है आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये जो है आपका जो है 3 स्पोक जो आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। ये आपका कोई लेदर रैप नहीं है। अगर हाँ इसकी अगर आप अल्फ़ा वेरिएंट में जाते हैं जो आपका टॉप मॉडल है उसमें आपको जो है लेदर रैप जो है जो स्टेयरिंग आपको व्हील देखने को मिल जाता है। और तो अगर आप चाहे तो इसमें एसेसरीज़ वगैरह में जो है लेदर वगैरह की रैपिंग वगैरह जो है इसमें करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके IVRM की। तो इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है मैनुअल जो है आपको IVRM देखने को मिल जाता है, ऑटो नहीं मिलता है। ऑटो जो IVRM का जो ऑप्शन आपको मिलता है वो आपके अल्फ़ा वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपको सनग्लास का जो है होल्डर आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपका जो है यहाँ पे लाइट्स जो है रीडिंग लैंप्स आपको देखने को मिल जाती है, माइक मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर हम सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में भी जो है सनवाइज़र में आपको जो है वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको एल्यूमिनेटेड मिलता है, यानी कि आप इसमें जो है लाइट वगैरह भी आपको दे रखी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम जो है आपको जो को पैसेंजर साइड में भी जो आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा विद आपका एलिमिनेशन। अगर इसमें हम एयरबैग्स की बात करें तो इसमें आपको 2 जो है एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप इसमें स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करते हैं तो इसमें जो आपको 2-way जो है स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, टिल्ट प्लस आपका टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको जो है फंक्शनैलिटी के साथ अब जो आपको स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कंप्लीट जो है आपका यहाँ पे कैबिन का आपको जो इंटीरियर मिल जाता है एज आपका जो नॉर्मली यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको जो है हजार्ड का जो है स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है आपका जो एस क्रॉस जो है आपका जीटा वेरियंट में आपको जो है आपको कैबिन का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है।
अब इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स में जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे आपको जो टू जो एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, आपका ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में जो आपको एयरबैग्स आपको देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ में इसमें जो आपको ABS यानी जो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंपनी आपको ऑफर करती है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, आइसोफिक्स जैसे कि आपको मैं रियर सीट पे दिखाया था, आइसोफिक्स जो है चाइल्ड सीट माउंट जो आपको देखने को मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल आपको दिखा चुका हूँ, क्रूज़ कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको इन्फोटेनमेंट इसकी स्क्रीन के कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, प्लस आपको जैसे कि मैं आपको दिखाया था इंजन मोबिलाइजर भी आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। अगर से बात करें तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपके यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया और ESP जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो इसमें मिसिंग है, प्लस आपका जो हिल असिस्ट का जो है वो भी आपको इसमें मिसिंग मिल जाएगा। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो प्रैक्टिकली जो सारे जो नेसेसरी जो फीचर है सेफ्टी के वो आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। सो फाइनली बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, अगर इसमें इंजन की बात करें तकरीबन इसमें जो 1462 cc का आपको 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है, जो कि आपका K सीरीज़ का 15B स्मार्ट हाइब्रिड आपको इंजन देखने को मिल जाता है। अगर इसके मैक्स पावर की बात करें तो तकरीबन आपको 104 PS का जो है आपको पावर मिल जाता है। अगर इसके टॉर्क की बात करें तो जो इंजन जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है तकरीबन 138 Nm का जो है आपका टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका 4400 RPM में होगा। इसी के साथ अगर हम इसके ARAI माइलेज की बात करें तकरीबन जो है कंपनी इसमें आपको जो क्लेम करती है 18.55 km/h का जो है माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है। ओके सो फाइनली जो है आपका ये कंप्लीट जो वॉकअराउंड था मारुति सुजुकी नेक्सा S-Cross का मैनुअल ट्रांसमिशन का जो है आपको हमने वॉकअराउंड दे दिया है। तो आप वैसे मारुति नेक्सा के अगर कोई भी आप प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, उससे आप डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस इससे रिलेटेड आप कोई भी आप इससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि आप इससे टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी आप इसकी अवेलेबिलिटी डेट वगैरह जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करा सकते हैं या इस प्रोडक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, जो कि आप हमारी आगे की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। सो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।